बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये रूल 288 का मोशन मूव कीजिए क्वेश्चन आर और कॉल अटेंशन सस्पेंड करने के लिए। बिलाल कियानी साहब आप मूव कर दीजिए। आई बेग टू मूव अंडर रूल 288 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस इन द नेशनल असेंबली 2007 दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रूल्स 18, 69 एंड 88 ऑफ द सेट रूल्स in respect of matters other than points of order, question hour and calling attention notices may be suspended for today the 15th September and for tomorrow the 16th September 2024. Now I put the question to the House. The question is that the motion has moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. The House is adjourned to meet again on Monday 16th September at 12:30 p.m. कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। कल 12 बजे तक मुलतवी हो गया कौमी असम्बली का इजलास और इजलास शुरू हुआ था स्पीकर अय्याज सादिक की ज़ेरे सदारत और कौमी असम्बली का इजलास छोटी सी कार्रवाई के बाद मुलतवी हुआ है मंडे यानी कल 16 सितंबर तक 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है कौमी असम्बली का इजलास। और आपको अपडेट कर रहे हैं कि कौमी असम्बली का इजलास जिसका दिन भर इंतज़ार था छोटी सी कार्रवाई के बाद कल तक के लिए मुलतवी किया है। कल सुपहर 12:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास दोबारा से शुरू होगा। सेनेट का इजलास भी कल तक मुलतवी कर दिया गया है। अपने नाज़रीन को बता दें कि स्पीकर अय्याज सादिक की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली का इजलास जो है वो शुरू हुआ था और उसको मुलतवी किया गया कल दोपहर 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी हो चुका है कौमी असम्बली का इजलास और सेनेट का इजलास भी कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ था गालिबन जैसा कि बता भी रहे थे कि टेक्निकली आज कौमी असम्बली का इजलास होना लाजिम है और उसके बाद छोटी सी कार्रवाई हुई तिलावत कुरान पाक के बाद कौमी तराना सुनाया गया और उसके बाद छोटी सी कार्रवाई के बाद कौमी असम्बली का इजलास कल दोपहर 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। दिन भर कौमी असम्बली के इजलास का इंतजार रहा, इसमें टाइम भी चेंज हुआ, वक्त भी चेंज हुआ। बेहजाज सलीमी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहजाज साहब, कल दोपहर तक 12:30 बजे तक कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया है, क्या डिटेल है आपके पास? जी, जैसा कि हमने अपने नाज़रीन को पहले ही आगाह किया था कि आईनी तरमीमी बिल के हवाले से जो पार्लियामानी कमेटी के इजलास के बाद ये फैसला कर लिया गया है कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दिए जाएं, तो कौमी असम्बली का इजलास मुख्तसर वक्त के लिए ये शुरू हुआ और इस दौरान स्पीकर कौमी असम्बली ने तलाब के कुरान मजीद के बाद जो है वो मुख्तसर कार्रवाई के बाद जो है इस इजलास को कल 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया है।